सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप कोई हॉबी डेवलप कर रहे हो जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है तो जरूर करना चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई हैव सूरज विद मी। सूरज भाई बोलिए कुछ। गुड मॉर्निंग सर। बड़े दिन से अटेंडेंस नहीं लग रही है, थोड़ी 5 मिनट लेट हो रहे हैं, तो आज हम बहुत जल्दी जा रहे हैं ताकि हमारी अटेंडेंस लग जाए पिछले कुछ दिनों से की जो नहीं लगी हुई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अच्छे हैं सर। गाइस को पूछो कैसे हैं। गाइस कौन सा गाइस? गाइस क्या हाल है आपके? वो जो देख रहे हैं। अच्छा कौन देख रहे हैं? अच्छा इनको पूछते हैं। और भाई कैसे हो, सब ठीक हो? हाँ बढ़िया हो ना? हाँ मजे में हो बाल बच्चे? हेमराज भाई आज तो गाइस हेमराज भाई आज पहली बार जो हम टाइम से जा रहे हैं बिना दौड़े हुए, काफी बड़ा दिन है आज का, तो चलिए अब चलते हैं। मैं तो थोड़ा यहाँ घुमा लेकर आता हूँ। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम Sir, this was my regular lunch. Now I will go to the gym and I will have a great workout. So sir, neglected feel कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, neglected नहीं, हम खुद ही neglect हुए हैं actually. हम खुद हुए हैं. Yes. We are backbenchers. We neglected ourselves because we are backbenchers. No one can. Today our teacher said कि come in front bench. I said no. I said no. I am good here. From Narsni, I sit on the back bench. Okay. Now I am in B.Ed. I will also sit on the back bench. You are a very so nice person. I am very good person. I am not guys nice person nahi banna, good person banna. And difference between nice and good? Nice person thoda 18 plus ho jayega. Nice. But good guy ko pata hota hai ki kahan acha hota hai kahan bura hota hai. Nice person ko ye nahi pata hota hai. वो हमेशा हर वक्त नाइस रहता है। भीजे धो गया है इसको, इसको थोड़ा सभ्य भाषा मुझे मत बोलो। सभ्य भाषा में बेवकूफ चूतिया को हम कह सकते हैं कि बेवकूफ बन जाता है। बेवकूफ बन जाता है, दुनिया उसका यूज करती है, दुनिया का यूज नहीं करता। नाइस पर्सन पता क्या करता है, नाइस पर्सन अपने को हमेशा दूसरों के बाद रखता है, और गुड पर्सन हमेशा अपने आपको पहले रखता है। बी अ गुड पर्सन, अच्छा ह्यूमन बी, गुड ह्यूमन बी, नॉट अ नाइस ह्यूमन बी, गुड ह्यूमन बी। ओके थैंक यू सर, आप हमेशा मेरे ब्लॉग्स में आते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। थैंक यू। का कार्यभार संभाला है और आने वाले छात्रों को आप बताएंगे जो बीएड में आएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर चीजें होती हैं, कैसे कैसे यहाँ पर फूल पत्तियां लगी हुई हैं। देखो वहाँ पर गार्डन वूडन कर रहे हैं, सर का यही काम है, सर का तो काम ही यही है। तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं बाहर, अब आप अब्दुल कलाम हाउस में आएंगे नए बच्चे, तो आप कोशिश करना आप सेक्शन भी अब्दुल कलाम हाउस में आए, लूट सेक्शन आपको भाईचारा ऑन टॉप। कुछ भी होगा दिक्कत आप हमें आप संपर्क करें। जो नए बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, जो एंट्रेंस भर रहे हैं, वो इस ब्लॉग के नीचे कोई भी क्वेरीज डालें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको यहाँ पर। ओके सर थैंक यू। बाय सर। अब हमारे देवेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे। देवेंद्र जी हमारे बहुत रुको मैं देता हूँ इनको पकड़। देवेंद्र जी हमारे बहुत दूर से आए हैं, हमारे अब्दुल कलाम हाउस के बैक बेंचर्स के लीडर हैं देवेंद्र जी, लीडर हैं हमारे आर्नी कुल्लू से, ये 4 जिलों में पढ़े हैं, कुल्लू में भी पढ़े हैं, अभी यहाँ पर कांगड़ा में पढ़ने आए हैं, शिमला में भी पढ़े हैं, किन्नौर में भी पढ़े, तो इन्होंने सब जगह का ज्ञान लिया हुआ। चिरोगला है ये पढ़े ही रहते हैं हमेशा। हाँ जी सर बताएं कि आज के दिन के एक्सपीरियंस के बारे में। मिक्स था, थोड़ा अच्छा ही था। अगर मैं यहाँ पे क्या क्या किया, कुछ नहीं, क्लासें लगाई इसको लो आराम लगाओ इसको लो। सर हमसे नहीं मिलेगा, क्या बोल रहे हैं आप? कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं आ रहा हूँ खेलने, इस बात का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। आपका अनुभव सर, अंकित सर आज मेरा बड़ा अच्छा रहा, आज बहुत गुड गुड ही मिला। गुड गुड आप हो ही गुड, तो नहीं आप एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो साथियों नमस्कार,
आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो इस चैनल के ओनर हैं। आपने इनको कई बार देखा होगा ब्लॉग्स बनाते हैं, पर आज इनका ब्लॉग बन रहा है। तो सर कैसे लग रहा है आपको, पहले पहले ये बताइए। जो कैमरे की इस साइड और उस साइड का अंतर है वो महसूस कर पा रहा हूँ। ओके सर, तो सर आप थोड़ा प्रेशर भी सर प्रेशर फील नहीं करना है, यहीं से तो हमने प्रेशर को हैंडल करना सीखना है। हाँ यस सर, सही है। यस सर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर पहले जान चाहेंगे आपके बारे में ब्रीफली, अगर आप अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहें तो वो रहेगा। सर अभी ज़्यादा जानकारी बता दो, मेरा नाम हेमराज है, आवाज़ इतना ही काफ़ी है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर इतना जानकारी नहीं सर, ये जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे ब्लॉग फैन बढ़ेंगे तो मेरे घर आ जाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा खुलासा कर रहे थे, सर चंबा से हैं। आप दर्शकों आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सर कहाँ से हैं। चलिए ठीक है सर, आपका यहाँ पे विषय कौन से हैं जो माइक्रो टीचिंग के हैं? माइक्रो टीचिंग टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज एंड इंग्लिश। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं आपको पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ उसकी। तो सर जैसे बोलते हैं कि एक होता है कि आपने खुद डिसाइड किया कोई चीज़, एक होता है कि आपके ऊपर फोर्स की गई, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू बीएड क्या आपके ऊपर फोर्स की गई, आपका खुद का डिसीजन था? मेरा डिसीजन था लेकिन फोर्सफुली, मतलब सिचुएशनशिप में थे आप भी। ओके ओके सर, और कुछ सर आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? सर एम्बियंस कैसी है कॉलेज की, अगर आप बताना चाहें, जैसे आपने पहले भी इसका पूरा कवर किया कॉलेज का, तो आपको क्या लगता है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जितने मैंने कॉलेजेस देखे उनमें से मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है यहाँ पर, और टीचर वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी सहयोगपूर्ण है और वो हेल्पफुल है। सर टोपोग्राफिकल इफेक्ट कैसा है, जैसे चंबा की और टोपोग्राफी और यहाँ की टोपोग्राफी में कुछ आपको अंतर दिखता है? जी सर, थोड़ा वहाँ पे हाइट वाला रीजन है और ठंड ज़्यादा रहती है, यहाँ पर गर्मी है। और सर प्लेन प्लेन है, अब चंबा में जाओगे तो ऐसे माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे नीचे से, और अब दूर तक नजर देखोगे तो व्यू काफ़ी दूर तक नज़र आता है, ऐसा यहाँ वहाँ पर नहीं होता चंबा में। ओके सर, और इन टर्म ऑफ वेजिटेशन भी थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। जी जी वो तो कहते हैं कि आप यहाँ पे टीचिंग कर रहे हो, लेकिन आप के बारे में भी हमें पता है कि आप ब्लॉगिंग भी करते हो, तो आपने ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट की और आपका कॉन्सेप्ट कैसे है? सर ब्लॉगिंग मैंने जस्ट अभी तो मुझे एक मंथ हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि ब्लॉगिंग जो है वो मेरे लिए बेंट की तरह कर रहा है, जब मैं प्रेशराइज फील करता हूँ, जब मैं नेगेटिव फील करता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर है उसको रिमूव करने के लिए अच्छा सोर्स के रूप में यूज कर रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ पैशन और एक तरीका है अपने आप के जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे डाइवर्स करने का एक तरीका। तो आपने ब्लॉगिंग मतलब अभी 2024 में ही स्टार्ट की है? इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल है, मैं उसे पढ़ाता था और पढ़ाई का आपको पता है कितना ही लोग देखते, मैंने सोचा क्यों ना, और उससे फिर जब व्यूज नहीं लगती तो नेगेटिविटी आती है, यहाँ पर आप एंजॉय भी कर रहे हो और साथ में आपका जो प्रेशर है, मतलब आप स्टडी रिलेटेड करियर काफ़ी हद तक मैं उसको नहीं जानती, उस टाइम मैं इंजॉय करता तभी हमारे विशाल सर भाई, बस बस बढ़िया भाई बढ़िया, खेलते हैं खेलते हैं। यहाँ पे हमारा फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल का मैच लगता हुआ, यहाँ पर हमारा फुटबॉल और मनोज ने उठा दिया, बहुत ही धुआंधार मैच लगा हुआ है, चैलेंज मैच है, 15 से 20 प्लेयर भी खेल सकते हैं, जबकि वॉलीबॉल में सिर्फ 6 प्लेयर होते हैं। सो दोस्तों काफ़ी खतरनाक मैच, एंड और दोस्तों मैं भी खेल रहा हूँ,
फुटबॉल नहीं, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? नहीं, मैं भी वॉलीबॉल खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू प्ले वॉलीबॉल बट आई थिंक इट इज़ नॉट वो क्या होता है मेरे टाइप की चीज। बिकॉज बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वी हैव आवर उप कप्तान संजय सर। सो फ्रेंड्स, आज के दिन चर्या ये रही कि पहली बात कॉलेज आए, क्लासेस लगाई, उसके बाद कॉलेज आए, क्लासेस लगाई एंड देन जो भी वो माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस एंड ऑल वी हैव डन एंड उसके बाद मेरी बारी आई थी, वहाँ पे ठीक ही हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और घर जाएंगे। मुझे लगता है कि सो गाइस अभी जा रहे हैं हम रूम, आज का दिन रहा बहुत मस्त व्यस्त एंड इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।